और इस बहरूपीय को मिटाने का। एक बार यदि नाग को आपने छेड़ा है तो उसे छोड़िएगा नहीं। नागिन को छेड़ने के बाद नाग दस्ताई है। यह वही नाग और नागिन वाली कथा है, इसलिए अब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है। मजबूत संकल्प के साथ हम किसानों ने जो सपने देखे थे हम आगे बढ़े हैं। ये अधूरी जीत है, हमें और भी कुछ करना है। एक और सवाल कि आप हमेशा गिरगिट के तरह रंग क्यों बदलते हैं? चोरी भी सीना जोरी भी, ये कैसा बहादुरी? आप नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के कोरोना से लेकर के हमेशा अपने मानवता के लिए आप खतरा बने, इंसानियत के लिए खतरा बनते जाए। और सदन में जब आप ये कहते नहीं फूल रहे थे कि यह कृषि बिल कानून किसानों के हित में है, तो फिर आज किसान के अहित में आपका ये निर्णय क्यों हुआ? आपको एक साल पहले किसानों के हित की बात समझ में नहीं आई? आज दुनिया का कौन सा ऐसा ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी टीम है कि आपको इन्होंने बताने में सफल हो गए कि नहीं आप वह निर्णय गलत था या निर्णय सही है? इसे समझने की जरूरत है। कोई सफल नहीं हुए, जनता सफल हुई जब वोट का चोट पड़ना शुरू हुआ, तो इनके भीतर पागलपन और कुलबुली शुरू हो गई। इसीलिए जनाब इसके नियत को समझिए, इसके चाल चरित्र को समझिए, इसके तरीके को समझिए। माफ मत करिएगा ऐसे, अन्यथा सूद ब्याज सहित ये कभी ना कभी बदला ले लेगा, ये ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।